वेलकम बैक गाइज, यहाँ पे हमारे आईबी क्रिकेट का राउंड टू चालू हो रहा है इंटरनेशनल फ्रेंडली कप का। मैं एक्चुअली हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता था इस वीडियो की शुरुआत नमस्कार हेलो आदाब से करने को। नमस्कार हरे, बट बहुत फनी मुझे फील हो रहा है, पता नहीं क्यों ये कहते हुए। ठीक है, आज की जो सेटअप है ये लास्ट मैच वाला ही सेटअप है। छठा स्टेडियम, नाइट मैच, सबसे हार्ड डिफिकल्टी, 10 ओवर का मैच, 0% बैट शील्ड, मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होगा, नॉर्मल पिच है। और आज की जो टीम है वो है माइटी पाकिस्तान। भाई देखो, अब क्यों है मैं बता दूँ, हम रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं तो अफगानिस्तान सबसे लास्ट नंबर पर थी। मुझे नहीं मालूम क्यों अंतिम से दूसरे पर पाकिस्तान को रखा है, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। बट रैंकिंग में अफगानिस्तान इस समय नंबर एक पर है। क्यों नंबर एक पे है? क्योंकि भाई अकेले उन्होंने मैच खेला है तो 108 रन उनके गेंदबाजों ने दिए थे। ग्रिप फट चुकी है हमारी, 108 रन उनके गेंदबाजों ने दिए थे। तो आज पाकिस्तान को डिफेंड करना है 108 रन। अगर मैं 108 से ज़्यादा कर जाता हूँ तो अफगानिस्तान की इस गेम में बॉलिंग ज़्यादा स्ट्रांग है। अफगानिस्तान एक स्ट्रांग टीम है कंपेरिजन टू पाकिस्तान। एक और दिक्कत है भाई, बारिश का मौसम है, आज बहुत ही बारिश से ग्रस्त रहा है हमारा गेम प्ले। शुरू करते हैं फटाफट। ठीक है भाई, यहाँ पे बारिश से ग्रस्त मैच है, मुझे भी नहीं मालूम मैं कितना खेल पाऊंगा। बट अगर मान लो मैं खेल रहा हूँ बीच में बारिश आ जाती है तो शायद कंटिन्यू का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे लैपटॉप फास्ट आ रहा है और पहली गेंद स्पिनर दिखा रहा है, या तो स्पिनर आ रहा है फर्स्ट बॉल करने। ठीक है, फील्डिंग एक बार चेक कर लेते हैं, 108 के रन को डिफेंड कर रहे हैं, 5 विकेट हमारे पास जमा है। फर्स्ट बॉल आती हुई आज के दिन की, जिसको आउटसाइड एज नहीं इनसाइड एज पे लगी है, 0 रन। आज एक तरह से देखा जाए पाकिस्तान को लॉटरी है, पैर मेरा फिसलेगा तो ये एक फ़ायदा है, ग्रिप मेरी टूट चुकी है तो कुछ फ़ायदे भी हैं कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। अभी के लिए अच्छी शुरुआत कहूँगा मैं। स्ट्रेट शॉट, रोका जा सकता था इसको, निराश होंगे अपने कोई एफर्ट ना करने के कारण। मुझे एक और बात ध्यान रखनी है, बारिश अगर आती है तो भाई मेरा हेडसेट बिगड़ भी सकता है। ऊंचा खेलने की कोशिश, लास्ट टाइम हम एक भी लॉफ्टेड नहीं खेल पाए थे, एक खेला था कैच आउट हुए थे। ठीक है, वो क्विकर, अंपायर की तरफ से कोई इशारा नहीं। पर हाँ भाई, मैं थोड़ा तेज भी खेलना चाहता हूँ। स्ट्रेट शॉट, 4 रन में कन्वर्ट, पहली ओवर की समाप्ति 9 रनों के साथ, रिक्वायर्ड 10.8 के आसपास है। एक और लेफ्ट हैंडेड, एक और लेफ्ट हैंडेड, कमाल की गेंदबाजी, गुड लेंथ पर से, आई सेट नहीं था पिछली गेंद पे, बाउंसर गेंद, पेस है। अब यहाँ पे है ना, मैं अगर हुक खेलने जाता हूँ या पुल करने जाता हूँ फिसल सकता हूँ। दो गेंदे डॉट और ये ड्राइव शॉट, 4 रन। वहाँ पे देखो क्राउड भी बैठा हुआ है, मतलब स्पेशल उनके लिए है जगह। प्लीज़ बारिश मत आना यार। स्ट्रेट शॉट, ठीक है, 4 रन में कन्वर्ट होगा ना, रोकना नामुमकिन है। पावर प्ले की फील्डिंग है, चेंज करते हुए मिड विकेट खेला जाए क्या, गांध बहुत तेज आ रही है, गेंद बहुत तेज आ रही है, एक रन। ड्राइव शॉट, शॉट तो तेज है बट एक ही रन। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं यहाँ पे आजू बाजू साफ जगह रखूँ। अब रिवर्स से पर ये सब शॉट के लिए यार पैर ही फिसल जा रहा है। छेरा स्पिनर शायद पाकिस्तान ना लाए तो अच्छा है पाकिस्तान के लिए, मेरे को फील आ रहा है। पिटते हुए रन रेट बना दिया है हमारा, एडवांस करने में दिक्कत नहीं है। फाइन लैग डॉट, 12 रन ओवर से, 1 रन। राइट आर्म फास्ट, अगर अफगानिस्तान के लिए मैं देखूँ ना तो ये ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है। तेज गेंदबाज, अच्छी गेंदबाजी किए थे, खतरनाक ड्राइव, देखते रह गए, 4 रन। पैरों पे दे तो बताऊँ, बोल रहा हूँ ना मैं, मिस कीपिंग, 4 रन। एक और वाइड बॉल, ठीक है वाइड भी है, 5 रन एक्स्ट्रा, 5 रन एक्स्ट्रा के। भाई आप कुछ भी कह दो लेकिन स्विंग के मामले में ना पाकिस्तान को इतना आसान नहीं है हराना। इनसाइड एज और क्लीन बोल्ड, रिप्ले कुछ ऐसा है, ओके इनसाइड एज और ऑफ स्टंप बाहर। अंधेरा भी बहुत तेजी से हो रहा है,
आउटसाइड है जो, और सेकंड विकेट मेरा फेवरेट बैट जिसने मैं जिसके साथ सबसे ज्यादा मजा आता है, आउटसाइड एज गई और कैच आउट हो गए देख के। बाउंसर डॉट इस पे दो, क्या यॉर्कर है, क्या गेंदे किए इस राइट आर्म फास्ट ने, एक रन ठीक है, चार रन बैलेंस होते हुए बट स्कोर कार्ड में चार जुड़ा है। एक और तेज गेंदबाज, फील्डिंग टाइट हो चुकी है, रन बनेंगे नहीं, थोड़ा सा एच, छह रन, लक का साथ, बारिश पड़ रही है बट ठीक है हम कंटिन्यू कर रहे हैं अभी, प्लीज 30 गेंद रुक जाए यार बारिश, यहाँ तो भैया मुझे आउट कर दें, पैर मार के फुटबॉल खेला है बट अगर 3 रन आ रहे हैं ठीक है, तो एक्चुअली मैं बचा रहा हूँ भाई उसको, भी भीगना चाहिए पानी से, 3 रन, एक बचाया, ओह डॉट, बिना देखे अनऑर्थोडॉक्स मारेंगे तो डॉट ही जाएगी, देख के भी कुछ नहीं कर पाए, कीपर की खराब कीपिंग कंटिन्यू, बाय के 4 रन, आखिरी गेंद, अंपायर वार्निंग, डॉट, एक स्पिनर आ गए, मेरे लिए खुशी की बात है, क्यों खुशी की बात है, अभी तक का स्कोर कार्ड उसका रीजन है, एक रन, आधी ओवर हुई है, आधे से थोड़ा सा काम बाकी है, डॉट, बाउंसर गेंद, पिच थोड़ी फ्रेंडली है, डॉट गेंद, 4 था ये, स्टंप पे लग गया, ओ इनसाइड एज, डॉट स्ट्रेट, याद आ नहीं भाई, बारिश बहुत तेज हो गई, आई थिंक हमें रुकना पड़ेगा अभी, अनफॉर्चुनेटली मैं पीछे जा चुका हूँ, वेट करेंगे हम लोग बारिश के थोड़े ख़त्म होने का, भाई अब ये मुझे नहीं मालूम कि इसमें कंटिन्यू होता है कि नहीं, बट अभी के लिए हमें रोकना होगा इसको। तो यहाँ पर डे टू आ चुका है हमारा, अनफॉर्चुनेटली जो बारिश के कारण गेम बदला था, अभी मैं पीछे इसलिए नहीं देख रहा क्योंकि मैं देखूंगा तो बॉल डाल देगा वो, तो डे टू की तरफ आ गए, लेकिन मॉर्निंग सेशन में पहली बार मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, तो लेट्स सी कि पाकिस्तान जो है अभी कितने रन हुए हैं, 54 हुए हैं, मतलब 25 गेंदों में 155 रन करने हैं हमें, ठीक है 25 बॉल्स में 55 रन जीतने के लिए पाकिस्तान के, 25 55, फर्स्ट बॉल नहीं, शॉट तो अच्छा है लेकिन एक ही रन, ये इंटरेस्टिंग होगा, राइट आर्म मीडियम फास्ट, ये लगा है शॉट, 6, गेम बहुत इंटरेस्टिंग, कल का माहौल थोड़ा सा, और लीजिए एक बार फिर अपनी स्विंग से कमाल करते हुए पाकिस्तानी गेंदबाज, इनसाइड एज पे हम हुए हैं क्लीन बोल्ड, टारगेट पर नजर करें तो 61 हुआ है, तो 48 रन चाहिए, खुशी देखिए प्लेयर्स की, विकेट भी देखनी है, बहुत सही स्ट्रेट ड्राइव पैर लगाया था बट उसको चीर के चार गई है, फील्डिंग चेंज, इनसाइड एज काफ़ी सही, और कर अफगानिस्तान यहाँ मिस फील्डिंग कर रहा था या गैप चला जा रहा था, पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं है आज, यॉर्कर फिर से यॉर्कर, डॉट डाल दिए इस टूर्नामेंट का, भाई फंस गए हम लोग, अगर जीतना है तो अब भाई लास्ट विकेट भी बचानी होगी, और 43 रन करने होंगे, तो भाई पहली बैटिंग का नुकसान भी है फ़ायदा भी है, अगर आपने बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया, 108 रन दिए, इनसाइड एज, स्लोअर गेन, ऑफ साइड पे, लेट्स सी, पेस अच्छा, ड्राइव शॉट 2 ही देगी, अभी सर्वाइव में ज़्यादा सोच रहा हूँ, गैप नहीं, मिड ऑन पे अच्छा शॉट एक के लिए, फिर यॉर्कर, फिर से बीट, बाउंसर गेन ऑफ साइड पे, लाइन लेंथ काफ़ी सही रखा है, पैरों पे नहीं दे रहे भी, मिड विकेट नहीं जा पा रहा और इसी का फायदा उठा रहे हैं, एक रन, आखिरी 12 गेंद, सर्वाइवल भी है, इनसाइड नहीं, डॉट, दो डॉट, फिर लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, एक रन, नहीं, कुछ फायदा नहीं, वाइड यॉर्कर रखते हुए बैट स्विंग का ज्यादा फायदा नहीं उठा पा रहा है,
नहीं, फिर से एक बार कवर पर से दो रन, बॉल टू बॉल भी रन नहीं आ रहा है, कितने भी तेजी से मार दो सब फील्डर की तरफ। लास्ट ओवर स्पिनर, लेट्स सी फील्डिंग, कमाल का रखा है, कितना भी सही खेल लें मुश्किल है। मिड विकेट है, लॉन्ग ऑन है, स्क्वायर है, कवर है, लॉन्ग ऑफ है, ये कैच भी हो सकता है, लेकिन इस बार 80 क्रॉस, कमॉन कमॉन, आई शॉर्ट पिच पछाड़ते हुए, और एक और ऊंचे शॉट, एक और ऊंचे शॉट, 6 रन, 88 रन हो गए दो गेंदे बाकी। नहीं, ऊंचा लेना चाहा था, बट देख सकते हैं आप, 1 रन में ही कन्वर्ट हुआ है। पाकिस्तान का बॉलिंग लाइनअप, 4 रन लास्ट बॉल पे, 93 पे रुका है पाकिस्तान, तो 15 रन जितना अच्छा है। वीकली टूर्नामेंट की बात करें तो हम अभी रैंक 3 पे हैं 10 ओवर की गेम प्ले में। अभी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है, पता है क्या, यहाँ पर लास्ट टाइम 10 ओवर में 108 पे 4 आया था, अभी 102 पे 4 आ रहा है, लेकिन फाइनल स्कोर जो दिखा रहा है मैच कंप्लीटेड में वो 93 पे 4 दिखा रहा है। तो गाइज एक अपडेट देनी है आप लोगों को, जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी तो आपने ऑलरेडी देखा कि स्कोर कार्ड में अंतर है, लास्ट मैच में भी था, अफगानिस्तान में भी 119 था, हमने 108 काउंट किया था, बट क्विक मैच में एक्स्ट्रा काउंट नहीं होते हैं, ये चीज मुझे अभी पता लगी है। तो यहाँ पे अब स्कोर कार्ड अपडेट हो जाएगा, 119 काउंट किया जाएगा अफगानिस्तान का और पाकिस्तान का 102 काउंट किया जाएगा। ठीक है, गेम की स्क्रीन पे आ चुके हैं हम लोग एक बार फिर से, और यहाँ पे हम बताएंगे हमारा अगला अपोनेंट कौन है, पाकिस्तान के जो लेफ्ट में होगा वो बांग्लादेश। ठीक है, तो अगला जब भी वीआर का गेम प्ले आएगा बांग्लादेश होगा, अगर बांग्लादेश 93 से कम देता है तो नंबर 1 पे आ जाएगा, 108 से ज़्यादा देता है तो लिखा हुआ है और हाई स्कोर, तो भैया सबसे लास्ट पे चला जाएगा। जो भी है अगले एपिसोड में पता लगेगा क्या है, बट प्लीज़ इस वीडियो पे जो लोग देख रहे हैं भाई लाइक करना, सेटअप आपके सामने है, इसी सेटअप में हम फिर से खेलेंगे, थोड़ा फेवर हुआ है पाकिस्तान को कि मौसम था बिगड़ा, तो जो पैर है, जो ग्रिप है मेरी वो प्रॉपर नहीं हो रही थी, अभी भी बारिश ही गिरी हुई है, बट ठीक है, अभी ठीक ठाक है। तो इसी के साथ ले रहे हैं विदा भाई, थैंक यू फॉर वॉचिंग भाई, बाय बाय, टाटा, गुड डे।